जैन साहब फरमाएं सर। बिल्कुल, एक बेहतरीन क्वालिटी स्टॉक लाया हूं, एमएनसी स्टॉक डी नोरा इंडिया लिमिटेड। आज स्पेशल वेल्थ क्रिएशन डे है तो सर्टेनली मैंने देखा कि एक स्पेशल पिक लाई जाए। और अनिल जी, यही दिन है जहां से जब भी कोई इवेंट में जाता हूं तो पहले आपने बोला था कि लेना नहीं है और बाद में आपने बोला कि अब खरीदना कैसे 35% 20%। तो वाकई में जो प्यार मिलता है, जो आपकी लीडरशिप में, जो हम लोग सबको भी प्यार मिलता है हर इवेंट्स में, भले मैं कल क्रिकेट खेल रहा था जीतो में तो भी बहुत प्यार मिला। मैं जेवियर्स कॉलेज में, एक बहुत बड़ा नेशनल इंटर कॉलेज इवेंट था जहाँ पे IIT SRCC ऐसी कॉलेजेस भी पार्टिसिपेट की, तो वहां पे भी बहुत प्यार मिला। एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ जो हमने उस समय जो पीरियड था मार्च और मे और जून जुलाई और जून में तो आपने सारे लोगों का जो स्पेशल सेगमेंट शुरू किया, तो आई स्टिल रिमेंबर दोज वर द लाइफ चेंजिंग डेज। बट एनीवेज, मैं स्टॉक पे आता हूँ, एक मिनट मैंने ज्यादा ले ली। गजब का स्टॉक है डिनोरा, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत बेहतरीन है इसका, 28-29%। रिटर्न ऑन इक्विटी 21%, पिछले 3 साल में प्रॉफिट की कैगर 113%, सेल्स की कैगर 31%, एक नेग्लिजिबल डेट, मतलब नेग्लिजिबल क्या, जीरो डेट कंपनी, बेहतरीन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वाली कंपनी, 27-28%, बेहतरीन नेट प्रॉफिट मार्जिन वाली कंपनी। और दिसंबर का क्वार्टर लास्ट दिसंबर के मुकाबले बहुत बढ़िया था, और ओवरऑल TTM बेसिस पे हाईएस्ट एवर प्रॉफिट से बैठी है। एक लो वॉल्यूम हाई मार्जिन वाला काम है कंपनी का, और कंपनी करती क्या मैं पहले ये बता दूं, एक सेंचुरी ओल्ड MNC पेरेंट है, 1989 से इंडिया में कार्यरत है, और कंपनी मैन्युफैक्चरिंग, रिफर्बिशिंग और सेलिंग करती है कैथोड, एनोड और इलेक्ट्रिक क्लोरिनेटर्स और कैथोड प्रोटेक्शन सिस्टम्स के। तो इसी तरीके से जो इनके जो एप्लीकेशंस है वो बेसिकली ब्लीचिंग केमिकल्स, एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक और इन सब में लगता है। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि ये बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, और मैं थोड़ा आज फास्ट ही हूँ, समय की भी आज वो है थोड़ी सी। तो पब्लिक शेयर होल्डिंग में भी कुछ रिनाउंड नेम्स इसमें होल्ड करते हैं, और प्रमोटर्स की भी स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग है। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि स्टॉक को इन लेवल्स पे लेना चाहिए। ऊपर के लेवल से अच्छा करेक्ट किया था और उसके बाद वापस से अच्छा बाउंस बैक भी कर रहा है, तो मुझे लगता है कि यहां से ये जो टारगेट है आराम से 980 का टारगेट लगाएं, 980 का टारगेट भी कम होगा, 1050 का टारगेट लगाएं। पहला टारगेट 980, 1050 का टारगेट आने वाले 6 से 9 महीने के लिए।